एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, फंजाय एंड अल्गी। तो इसका पार्ट फर्स्ट भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो जरूर देखना, ताकि जब आप वो देखेंगे तो फिर ये समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जुआ मीन्स एनिमल। तो प्रोटोजोआ वो एनिमल है जो डेवलप्ड नहीं है। द प्रोटोजोआ वर्ड गिवन बाय गोल्डफिश इन 1818। तो ये प्रोटोजोआ वर्ड जो है दिया था गोल्डफिश ने इन 1818। इट कंटेन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड लेक सेल वॉल। तो ये जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ये यूनिसेल्यूलर होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें जो है सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता। दे आर क्लासिफाइड इन यूकेरियोट्स। तो ये जो है ये प्रोटोजोआ आते हैं यूकेरियोट्स में। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड डैम सॉइल्स। तो ये पाए जाते हैं पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, सीज में, डैम सॉइल्स में, एक्सेट्रा। दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विथ माइक्रोस्कोप। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये सिर्फ हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक इन नेचर। तो इनका जो नेचर है वो है पैरासाइटिक, इनका नेचर है पैरासाइटिक। बॉडी शेप इज स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड एंड स्लैंटेड। तो इनका जो बॉडी शेप है वो है स्फेरिकल, ओवल, एलोंगेटेड और स्लैंटेड। लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया एंड फ्लैगेला। तो लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना करने में, लोकोमोशन करने में इनको जो हेल्प करता है सीरोपोडिया या फ्लैगेला हेल्प करता है। तो लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन है एक जगह से दूसरी जगह मोशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पर किसके लिए? गिजा हासिल करने के लिए। दे आर हिटीरियोट्रॉप्स, यानी कि वो जो हिटीरियोट्रॉप्स होते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी। तो एक्सक्रीशन कैसे होती है? बॉडी से जनरली होती है एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ क्या क्या है? एग्जाम्पल्स यूगलीना, अमीबा, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। Now we will discuss about fungi. तो fungi भी हम कहते हैं या fungi भी हम कहते हैं। तो the term fungi was given by Carolus Linnaeus. तो ये term fungi जो दी थी Carolus Linnaeus ने दी थी in 1934. Fungi means mushrooms. यानी mushrooms से इसकी एक example. Fungi are eukaryotes. यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड है। फंजे आर बोथ यूनिसेल्यूलर लाइक यीस्ट एंड मल्टीसेल्यूलर लाइक मशरूम्स। दे कंटेन सेल वॉल एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन। तो ये कंटेन करते हैं सेल वॉल जो काइटन से बना हुआ है। Fungi are heterotrophs and mainly they undergo saprophytic mode of nutrition. Fungi जो है वो heterotrophs है और ये generally क्या किस mode of nutrition है? Saprophytic, यानी कि ये dead and decaying animals खाते हैं। Some fungi are parasitic. कुछ fungi जो है parasitic होते हैं, example ringworm. Fungi are both useful as well as harmful. तो fungi जो है both होते हैं, दोनों होते हैं, useful भी होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं, और harmful नुकसानदेह भी होते हैं। Useful में हम example लेंगे penicillium और mushroom.
पेंसिलियम जो है हेल्प करता है या हमें जरूरत लगता है एंटीबायोटिक्स बनाने में, और मशरूम जो है फूड बनाने में हमें जरूरत लगता है, और हार्मफुल जो है ब्रेड मोल्ड रिंग वर्म। ब्रेड मोल्ड जो है ये गिज़ा को खराब कर देता है, और रिंग वर्म जो है वो डिजीज काज करता है जैसे स्किन इन्फेक्शन। दिस इज अबाउट फंजे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल्गी। एल्गी आर द ऑर्गेनिज्म that are plant like having cell wall and chlorophyll within the cell. तो algae जो है ये plant like होता है जिसके पास cell wall भी होता है और cell के अंदर जो होता है chlorophyll. algae are eukaryotic organism. ये eukaryotes में आता है and having no root stems and leaves. ये प्लांट लाइक तो होता है लेकिन इसमें रूट्स भी नहीं होते, स्टम्स भी नहीं होते, लीव्स भी नहीं होते। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एक्सेट्रा। तो ये हमें पाए जाते हैं पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, सीज में एक्सेट्रा। एल्गे आर फाउंड इन मॉइस्चर प्लेसेस। तो ये मॉइस्चर प्लेसेस में फाउंड होता है। They are unicellular as well as multicellular. तो ये unicellular भी है और multicellular भी है। Algae do not have true root, stems and leaves. मैंने आपको पहले भी बोला कि इनके जो है root, stems नहीं होते, leaves भी नहीं होते। Algae भी जो है both useful as well as harmful. Useful में हम example नहीं लेंगे नूरी, जो हमें यूज होता है यूज एज फूड, हम फूड बनाने के लिए होता है। और हार्मफुल में हम लेंगे एल्गी, जो डेवलप करता है एल्गी ब्लूम्स। और एल्गी जो है एल्गी अंडरगो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो अगले टॉपिक में हम करेंगे डिस्कस वायरसेस और यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लेना, मैं आपको वीडियोस की लिंक्स वहां पे दे दूंगी।